नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। नैनीताल जिले के भवाली क्षेत्र में स्थित कैची धाम में हर साल भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से कैची धाम मंदिर में मेले का आयोजन नहीं किया गया था। वहीं अब कैची धाम में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए एक बड़ी खबर है। बता दें कि पूरे 2 साल बाद कैची धाम मंदिर में भव्य मेले का आयोजन होने जा रहा है, साथ ही इस मेले में लगभग 2 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। कैची धाम मंदिर में 15 जून को होने वाले भव्य मेले को लेकर तहसील प्रशासन, पुलिस और मंदिर समिति व्यवस्थाओं में जुट चुकी है। वहीं मेले की व्यवस्थाओं को लेकर कोशा कुटौली के उपजिलाधिकारी राहुल शाह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि बैठक में 15 जून को स्थापना दिवस के मौके पर क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल समेत कई व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान फैसला लिया गया कि भवाली से मंदिर आने वाले वाहनों को करीब 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। साथ ही स्थापना दिवस के पुलिस प्रशासन ने यातायात डायवर्जन करने का निर्णय लिया, जिसके तहत 15 जून के दिन हल्द्वानी से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ को जाने वाले भारी वाहन और यात्री वाहन समेत निजी वाहन सुबह 5 बजे से खुटानी मोड़, पदमपुरी, पोखरा, कशिया लेक, शीतला, मोना, लवेशाल होते हुए क्वारब से अल्मोड़ा को रवाना होंगे।